हमने आपको बोला था इंदौर मैराथन के अंदर में आने वाला है रोमियो अपनी जूलियट के साथ, तो आज मिलवाते हैं ये जूलियट से जो रोमियो के साथ, रोमियो के घर में जूलियट रहती है और दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती है कि ये दुनिया को एक सीख दे रही है कि जब रोमियो और जूलियट, एक लड्डू और एक कबूतर, अपना जिंदगी आपस में मिलजुल करके रह सकते हैं तो एक इंसान को कुत्ते के साथ जीने में तकलीफ क्या है भाई साहब, तकलीफ क्या है इनसे, तकलीफ नहीं होनी चाहिए जब ये दोनों जी सकते हैं। जबकि इनके लिए तो होता है कि लड्डू के लिए कबूतर शिकार होता है, उसके बावजूद उसने इतने अच्छे से इस जीव को अपना लिया। ये दुनिया के लिए एक मैसेज है रोमियो जूलियट का कि जब रोमियो और जूलियट रह सकते हैं तो इंसान और कुत्ता क्यों नहीं रह सकता। सो दिस इज़ वॉट इज़ द बिगेस्ट मैसेज वी वॉन्टेड टू गिव दिस मैराथन। हम बार बार बोल रहे थे कि हम आपको कल बताएंगे कि कौन है जूलियट, कौन है जूलियट, तो आज देखिए इस जूलियट रानी को, खूबसूरती देखिए, उसका कॉन्फिडेंस देखिए कि एक डॉग के ऊपर बैठने के बावजूद भी वो डर नहीं रही है क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो ये जो जूलियट है और ये जो रोमियो है, इनके बारे में मुझे आप बताइए मैम कि ये दोनों कैसे रहते हैं, क्या इनका इश्क हो गया है? इश्क हो गया है पूरी तरह से। तो दोनों में कौन डोमिनेट करता है एक दूसरे में? रोमियो इस कबूतर पे डोमिनेट करता है कि कबूतर रोमियो पे डोमिनेट करता है? रोमियो को जूलियट मारती है। तो जैसे कि सारी बीबियां खतरनाक होती हैं, वैसे ये भी खतरनाक है। ये देखिए ये मारा इसने, अभी हमने पकड़ लिया इसको मारते हुए। तो ये ऐसे क्यों करती हो जूलियट तुम? वो इतना अच्छा बच्चा है, दया का शिक्षक है, उसको खुजलाता है ना, तो उसको वो करती है। क्यों तुम उसको परेशान करती हो जूलियट, क्यों परेशान करती हो? वो तो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, वो तो दया का वो शिक्षक है जो कि पूरी दुनिया को दया सिखा रहा है, और तुम देखो कि उससे लड़ाई करती हो। तुम भी इंसानों के जैसे हो गई क्या? ओ बॉय, सो कैसा लग रहा है मैम ये सीन देख के आपको? अरे बहुत अच्छा। ये आपका पड़ोसी है, जब ही आपकी इतनी अच्छी है कि वो गले में आपके हाथ डाल के सो रहा है। हम आते हैं तो वो आके हमसे पहले मिलता है नीचे। तो आपकी जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उसका जैक के साथ में, रोमियो के साथ में कैसा व्यवहार है? बाकी लोगों का तो नहीं मालूम, सामने जो आंटी है वो तो उसको अच्छे से खिलाती है, सामने जो घर में जो लोग रहते हैं वो लोग तो जैक से अच्छे से खेलते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैडम चालू है, टिकल 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 टिकल, क्या हुआ रोमियो जूलियट, क्यों परेशान कर रही हो अपने पति को? सो कितनी है प्यारी प्यारी दोस्ती हमारी, जो यार की खुशी वो खुशी है हमारी। गुड मॉर्निंग, तो हमने जो बोला था कि हम आपको रोमियो जूलियट को दिखाएंगे, तो आज आप अपनी आंखों के सामने देखिए इस रोमियो को अपनी जूलियट, जो एक कबूतर है और इन्हीं के घर में ये जूलियट पैदा हुई थी और रोमियो ने बड़े अच्छे से केयर करी थी। और ये बात दर्शाती है कि यदि एक सड़क का जीने वाला जीव एक कबूतर के साथ में दोस्ती कर सकता है, तो हमारे देश के जो नागरिक हैं वो अपनी गलियों में जीने वाले श्वानों के साथ दोस्ती क्यों नहीं कर सकते हैं? सवाल यहाँ सिर्फ ये है कि इन जीवों के प्रति प्यार और दया की जागरूकता को फैलाना प्रशासन का काम है, और उसी बात पर प्रशासन बैक फुट पर है। तो वो जो खड़ा है बेचारा गेट पे, उधर ही खड़ा है। जय हिंद।